आज मैंने इनवाइट किया मिनाल खान को। आप जानते हैं ना, मिनाल और एमन ट्विन्स हैं और दोनों एक्ट करती हैं। तो आज बहुत सारी बातें करूंगी, कुछ एमन के बारे में भी पूछूंगी और ज़्यादा मिनाल के बारे में। आइए मिलते हैं मिनाल खान से। थैंक यू सो मच। और आइडेंटिकल कपड़े पहनाते थे पेरेंट्स या नहीं? आइडेंटिकल कपड़े बचपन में बनाते थे, अभी भी कुछ इस तरह के कपड़े होते हैं, क्योंकि नाउ शी इज़ लिविंग इन अदर हाउस और मैं अलग हूँ। तो हम लोग अभी रिसेंटली परसों की बात है, मैं एमन के साथ शॉपिंग पर गई भी थी, तो उसे भी सेम चीज़ें पसंद आई थी, मुझे भी सेम चीज़ें पसंद आई थी। तो मैंने कहा हनी अब तो तुम अलग घर में रहती हो, तुमने वहाँ पहना है, तुम ले लो। कहती है नहीं, एक काम करो तुम पहन लेना, फिर मुझे दे देना, मैं ट्राई पहन लूँगी। अलग अलग क्या लेने की ज़रूरत है? ऐसा होता है, एक ही जोड़ा लेते हो फिर शेयर कर लेते हो हमेशा? अच्छा, आप ट्विन बहनें और फिर तीन भाई हो? मेरा एक और भाई है मास, शी इज 17 ईयर्स ओल्ड, छोटा है अभी, इमन और मुझसे छोटा है। और फिर मेरे दो भाई और ट्विन्स हैं, वो भी ट्विन्स हैं। वाओ, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है बट ट्विन्स। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। काफी लोगों को ये नहीं मालूम होता बिकॉज वो तो क्या फैमिली में पहले थे ट्विन्स? नहीं, मेरी मम्मा के हैं और मेरी मम्मा के कजन के हैं। अच्छा, उनके भी इसी तरह है? उनकी क्या? भी आइडेंटिकल है, लेकिन उनके भी बेटे हैं दोनों। अच्छा, तो फिर उनके यहाँ और ट्विन्स? लेकिन मेरी मामा क्या हैं, दो बेटे हैं। ये तो कितने मजे की बात है। अब आप सोचे, हमारा इमेजिन मेरा घर, बच्चे एक ही एज के सारे बेचारी, मेरी मम्मा कभी इसको बोलती रहती हैं, कभी उसके तो लिए। कैसे उन्होंने मैनेज किया? पता नहीं कैसे किया, आज तक शी इज मैनेजिंग। एक कॉलेज जाता है, दो स्कूल जाते हैं, और फिर एक के लिए ट्यूशन आता है, फिर मदरसा, ये वो सारी चीज़ें। और फिर दो एक जैसी बेटियाँ और फिर दो एक जैसे बेटे। Wow. और सबकी रूटीन्स कितनी डिफरेंट है। उनको पालना मुश्किल काम है ट्विन्स का, इजी नहीं है? इजी तो नहीं है, लेकिन मेरी खालाओं ने और मेरी नानी वगैरह ने बहुत हेल्प की है, मेरी दादी ने, फूफो ने। ये फायदा होता है सबने पाला है बच्चों को, जॉइंट सिस्टम जो हमारा है और हमारी फैमिली जो इतनी आज भी, मतलब मेरी जो सारी खाला हैं, आई हैव सिक्स खालाज माशाल्लाह, तो सारी खालाएं बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह। जैसे मम्मा ने कभी किसी एक के साथ ट्रैवल करना है तो मेरी कोई खाला आ जाएंगी, घर पे रुकेंगी, खाने पकाएंगी। पैदा कहाँ हुए थे आप? कराची। अच्छा, आप लोग कराची आए? सो सारे बहन भाई वहीं पैदा हुए? ओह वंडरफुल। तो कैसा था फिर, किस तरह के थे? क्या एमन शरारती थी या तुम थी? मुझे लगता है कि एमन ज़्यादा शरारती है और बचपन में एमन ही है, एमन इज अ बॉसी गर्ल, बड़ी है ना, 28 मिनट्स का फर्क है, 28 मिनट्स, लेकिन स्टिल वो बड़ी है। और मुझे लगता है अब जाके मुझे एहसास होता है कि वाकई वो है बड़ी, क्योंकि द वे शी टेक्स डिसीजंस और बात करना, मामा बाबा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एडवाइजेज में, डिसीजंस में। तो मुझे लगता है कि, और शादी के बाद ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने की शरारत और डांट तुम्हें पड़ गई? स्कूल वगैरह में होता है, हुआ है बचपन में। बाकी तो सब पहचान लेते हैं घर में, खालाएं और मम्मा वगैरह। तो बाकी शूट्स वगैरह पे भी कभी इस तरह नहीं हुआ, होता है नहीं हुआ किसी के शूट पे चले जाते हैं। काम था और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो यूं बैठ। नहीं, कभी किया है ऐसे, कोई शरारत की है? मैंने वॉइस ओवर्स करवाई हैं बचपन में, करते थे बचपन में, बिकॉज जब छोटे थे तो बिल्कुल ही एक जैसे थे, बड़े होकर थोड़े चेंज भी हुए हैं। और जब छोटे थे तो थक जाते थे कमर्शियल्स की शूट्स, 24 आवर्स चलती थी, तो बीच में आधा कमर्शियल एमन करती थी, आधा मैं कर लेती थी, पता ही नहीं चलता था। सीरियसली? और अभी भी वॉइस ओवर्स वगैरह करवा देती हूँ एमन की, या कभी भी ज़रूरत हो वो अवेलेबल ना हो, तो इस तरह होता है। और क्या क्या करते हो फिर? चेक्स पे साइन कर सकते हैं चेक बुक पे साइन कर सकते हैं एक जैसे, इस तरह की चीजें करते रहते। किसी को बेवकूफ बनाया? नहीं, बेवकूफ नहीं बनाया, नहीं बनाया, बिकॉज़ यू नो यू कैन गेट अवे विद इट, बिकॉज़ वी आर वर्किंग बहुत पहले से ना, बचपन से काम करना शुरू कर दिया था, तो आई थिंक वो शरारतों वाला इतना ज्यादा फैक्टर लाइफ में रहा नहीं है, काम ही रहा है ज्यादातर। स्कूल से ऑफ हुआ, शूट पे चले गए, शूट से आके सो गए, सुबह स्कूल, शूट, इस तरह से लाइफ मैनेज की। और बाकी तरह घर में बहुत शरारतें की हैं, मम्मा को बहुत परेशान किया है, बाबा को, बस भाइयों को सबसे ज़्यादा मैं परेशान करती हूँ, डांटती रहती हूँ इधर उधर, तो मेरे भाई ज़्यादा एमन को पसंद करते हैं इस तरह के। कभी रिग्रेट किया? ले भी जाती हूँ मम्मा को मीटिंग। कभी रिग्रेट किया कि मैंने ये काम क्यों पकड़ लिया, नहीं मुझे करना चाहिए था? नहीं, मैं हमेशा अपने काम से बहुत खुश होती हूँ,
मुझे और मैं बहुत ज़्यादा तैयारी करती हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ काम करने के लिए. अच्छा. किसी नए प्रोजेक्ट पर जाने के लिए कोई नई लुक होती है, कोई नया कैरेक्टर होता है, डिफरेंट चीज़ होती है, डिफरेंट टीम वर्किंग विद अ डिफरेंट डायरेक्टर, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स. तो मुझे लगता है लाइफ के कहीं अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कहीं बुरी चीज़ें भी होती हैं, तो हमें दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए. कि अच्छे साइड्स भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं. तो मुझे लगता है कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप बुरे से भी सीखते हो और अच्छे से भी सीखते हो. और फ्रेंड्स भी शेयर करते हो? फ्रेंड्स भी सेम है. सेम है, सेम है. आज तक मेरे और एमन के कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं कि वो मेरे फ्रेंड्स हो और एमन के फ्रेंड्स ना हो. और हमेशा एमन के फ्रेंड्स होते हैं पहले वो, फिर मेरे फ्रेंड्स बनते हैं. बिकॉज मैंने अभी आपको बताया ना, एमन है थोड़ी सी बहुत जल्दी चुलबुली, दोस्ती करने वाली, और मैं थोड़ी सी, थोड़ा सा टाइम लगता है. सो एमन जो है वो एक्सपेरिमेंट करती है, फिर आप उसका फ़ायदा उठाते हैं. ऐसा कह सकते हैं. ऐसा कह सकते हैं. आप देखते हो कि ये कहाँ जा रही है. अच्छा, ये कहाँ जा रही है. नहीं, वो हमेशा, मुझे कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बस किसी से मिले तो साथ ही दोस्ती हुई है. एमन और मेरा माइंड बिल्कुल एक जैसा है, एक चीज़ के ऊपर हमेशा इत्तेफाक होता है. अच्छा, लोग कहते हैं कि जुड़वा बहन भाइयों में ये होता है कि अगर एक को चोट लगेगी तो दूसरे को भी एहसास होता है. ऐसा होता है कि आई थिंक फीलिंग, एक बीमार होता है तो दूसरा भी बीमार हो जाता है. होता है, लेकिन बेसिकली फीलिंग्स ज़्यादा होता है. जैसे मैं अगर परेशान हूँ तो वो जहाँ भी होगी ना, उसे थोड़ा सा होगा कि मैं मिनाल से बात कर लूँ, शायद कुछ परेशान है, ये है वो है. तो हमेशा से उसकी कॉल आ जाती है, वो मुझसे बात करती है. तुम्हें भी फील होता है? मुझे भी फील होता है. मैं भी उसको कहती हूँ तुम ठीक हो, तुम कैसी हो, और शादी से पहले भी और शादी के बाद भी. तो मैं ये सोच रही थी शादी क्यों नहीं इकट्ठी हुई और कोई जुड़वा भाई क्यों नहीं मिले. मुझे लगता है शादी नसीब है. अच्छा. मैंने कभी शादी के बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं ना. आई थिंक ना एमन ने सोचा होगा कि प्लान नहीं किया कि हो जाए, अब हो जानी चाहिए. आई थिंक ये अल्लाह की मर्ज़ी है और ये हमारे नसीब की बात है. जब हो सकता है इसी साल हो जाए, अगले साल हो, दो साल बाद. मोहब्बत किसको पहले हुई थी? मोहब्बत आई थिंक एमन की एंगेजमेंट भी पहले हुई थी और शादी भी उसकी पहले हुई है. मुझे अच्छा, ये कब डिसाइड करते हो या कैसे डिसाइड करते हो कि सोशल मीडिया पे ये पिक्चर जाएगी और ये नहीं जाएगी, और ये वाला हम शेयर करेंगे अपने फैंस से और ये वाला हमारा जो. अच्छा, मैं इतना ज़्यादा ना एमन और ना मैं इतने ज़्यादा इतना खुल के नहीं पोस्ट वगैरह करते ना. हमारी कभी आप लोगों ने देखी होंगी इस तरह फैंस से बात करते हुए वीडियोज़ एंड ऑल. बस मुझे जो लगता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है बस वही होनी चाहिए सोशल मीडिया पे. मुझे किसी और की पसंद के लिए सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना. अच्छा. अगर मुझे लगता है यार अच्छी पिक्चर है, ये मोमेंट अच्छा है कि यू नो आई कैन शेयर इट विद माई फैंस, विद माई फ्रेंड्स, और बिकॉज मेरी पूरी फैमिली भी यूज़ करती है, माई और खालास कज़न, सो वो लोग भी अपडेट रहते हैं. तो आप जिनकी, मतलब हम आज जो भी हैं, जो भी काम करते हैं, वो बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स एंड फैंस. एक्चुअली जो हमारे फैंस हैं वो वेट करते हैं, एक्चुअली हमारा वो वेट करते हैं कि हम कौन सी अपडेट अब उनको देंगे, कौन सी पिक्चर्स हम अपनी पोस्ट करेंगे. सो ये सारा कुछ खुद मैनेज करते हो आप दोनों बहनें, या आपका कोई है सोशल मीडिया का मैनेजर? नहीं, हम खुद मैनेज करते हैं. तो जब पहले पैसे मिले, जब पहले पैसे मिले थे, क्या खरीदा था? जब पहला चेक या कैश मिला था? जब हम, एक्चुअली इट्स वेरी फनी थिंग, एमन और मेरा अकाउंट ही लास्ट ईयर बना है, बिकॉज हम अंडर एज थे. तो उससे पहले हमारा बाबा का अकाउंट था. हमारे सारे चेक्स बाबा के नाम पे होते थे, बाबा का एटीएम कार्ड हमारे पास होता था, खूब शॉपिंग्स करते थे. बाबा बस ये कहते थे कि सेव करो, सेव करो, सेव करो. और आई थिंक बाबा के पास जब तक पैसे थे तब तक ये सेव हुए. जब से अपने पास कार्ड आया है, हम लोग अपना खर्च खुद करते हैं, यूज़ करे होते हैं कार्ड इधर उधर, तब से फजूल खर्ची ज़्यादा हुई है. खाना बनाना अच्छा लगता है? खाना बनाना अच्छा लगता है, बना भी लेती हूँ. तो अच्छा, आप दोनों कभी मिलके बनाते थे खाना? एमन इज़ गुड एट सर्विंग. एमन को ऊपर के सारे काम करने का बहुत शौक है. एमन को आप रूम सेट करने के लिए दे दें, एमन टेबल लगा लेगी, एमन सर्व कर देगी, एमन खाना उठा लेगी, हाँ कुकिंग सर्व कर देगी. और आपको कुकिंग का मुझे है, बेकिंग का शौक? बेकिंग का भी है. आई एम मोर इनटू चाइनीज और ब्राउनी बना लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें. माई कज़न, एक्चुअली माई कज़न सारा, शी इज़ जस्ट लाइक अ सिस्टर टू मी. माई फादर कॉल्स हर हिज थर्ड डॉटर. अच्छा. वो कहते हैं मेरी तीसरी बेटी है.
और मेरी खाला की बेटी है सारा, बस उसके वो आ जाती है घर पे तो उससे बहुत ज़्यादा शौक है खाने वाने पकाने का, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने का. तो हम दोनों मिलके ही लगे होते हैं किचन में, कभी कुछ बना रहे हैं कभी कुछ बना रहे हैं. और वेन एवर एमन कम्स ओवर. तो खाना जला कभी? नहीं, डिजास्टर हुआ? नहीं, मम्मा बड़ी अच्छी हैं. मम्मा का वैसे, मम्मा ने कभी बोला नहीं खाना बनाने का. मैं वैसे खाना नहीं पकाती, बट कभी 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 अगर मेरा कभी कभी कोई डिजास्टर नहीं हुआ कि कोई बहुत ही एलैबोरेट चीज़ बना रहे थे और वो दूध गिर जाता है बॉयल होते हुए, उस पर डांट पड़ती है, बट बाकी तो कुछ नहीं होता. अच्छा, बाकी होता है किचन फैला दिया, बर्तन गंदे कर दिए, इस तरह की बड़ी डांटें पड़ती हैं. कभी लिया है डिसीजन ऑन योर ओन? किया है, काफ़ी डिसीजन ऐसे होते हैं ऑन योर ओन. सही सही रहा, अल्लाह का शुक्र है. मुझे लगता है अल्लाह इज़ सो काइंड फॉर मी. अल्लाह पाक ने हमेशा एमन और मेरे लिए, मुझे लगता है ख़ास तौर पे हमारे लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत से दूर नहीं रही. छोटा छोटा भी काम हो या बड़े से बड़ा मसला हो, कोई रिग्रेट्स है? नहीं, खुद ही हो जाता है सब कुछ. कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई रिग्रेट्स नहीं है. बस मुझे लगता है ज़िंदगी प्लान करके नहीं जीनी चाहिए. अच्छा, जस्ट लिव इन द मोमेंट, जो हो रहा है आपके लिए हो रहा है और उसको बेहतरीन तरीके से कर लो, उसको उस चीज़ को उस वक्त इन्जॉय करो. अगर तो वो चीज़ ख़राब भी है तो इट्स ओके, डोंट ओवर रिएक्ट ऑन इट राइट नाउ. अभी छोड़ दो, बाद में देखेंगे. सेट पे कभी फड्डा हुआ है किसी से? एज इन लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी कोई नया सेट होता है ना तो बात बुरी लगी है. शुरू शुरू में जाके बंदा बड़ा अनकम्फर्टेबल सा होता है. तो कैसे कम्फर्टेबल कैसे होती है? पहला दिन तो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज या तो शायद हमेशा से इस तरह से काम करने की आदत है. वक्त की पाबंद हो? हाँ, दोनों बहनें, दोनों हमेशा और बिल्कुल रेडी होती हो जब सेट पर. फिर सेट पे काम पे नखरा नहीं है ना? सेट पे अपना किस तरह बनाती हो, कंफर्ट जोन जो होता है ना, दोस्ती करती हो, पहल करती हो आगे बढ़कर? हाँ, या चुप करके कोने में बैठती? नहीं नहीं, हर किसी से जाके प्यार से मिलना, सलाम दुआ करना और खाना साथ खाना, रिफ्रेशमेंट साथ करना सबके, और अब जो मेरी नॉलेज में है वो दूसरों से शेयर करना, और जो दूसरों की नॉलेज में है वो उनसे अडॉप्ट करना चीज़ें, सीखना नई नई चीज़ें. मेरी जो हमेशा दोस्ती होती है ना, वो बड़ी एज ग्रुप से होती है. जो जो मदर्स और या मदर्स और सीनियर एक्टर्स जो हमारे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे छोटे लोगों का एक्सपीरियंस सुनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं अभी उन्हीं की एज में हूँ. मुझे अपनी एज से बड़े लोगों का एक्सपीरियंस सुनना चाहिए, उनकी लाइफ देखनी चाहिए कि उन लोगों ने आज तक वो लोग कैसे अपने आप को लेकर चल रहे हैं, कि माशाल्लाह दे आर फाइन, दे आर हेल्दी और काम अच्छा कर रहे हैं. यू नो, इनकी एक रिस्पेक्ट है, उनका एक नाम है. तो वो उस तरफ आए हैं मेरी एज से गुजर के, तो मुझे अभी से उनसे सीखना चाहिए ताकि जब मैं उस एज तक जाऊँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हों. जब बहुत खुश होती हूँ क्या करती हूँ? बहुत खुश होती हूँ तो अपने मामा बाप फ्रेंड फैमिली अपनी मामा सबको भाई ले जाती हूँ, डिनर करते हैं, घुमाती हूँ, कहीं शॉपिंग करवा दी, भाइयों के लिए कुछ ले आई, घर पे पिज्ज़ा पार्टी कर ली बच्चों की. तो कब खुश होती हो बहुत ज़्यादा? चेक मिलता है? नहीं, चेक्स तो हमारे इतने डिले डिले होते हैं. चेक से पैसों से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा. पैसों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे लगता है मेंटली पीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन मनी. अच्छा. बिकॉज मुझे कभी भी अल्लाह का शुक्र है टेंशन नहीं हुई कि बस आ जाते हैं पैसे, बस काम करते रहो. बस हाँ, काम करते रहो. कभी रोई हो? बहुत. हाँ, काफ़ी इस तरह से. किस बात पर रोई थी? लेकिन अगर दुख होता है तो किस बात पर होता है? मुझे लगता है लोग बहुत जल्दी आपको जज करते हैं और लोग आपको बहुत जल्दी समझते नहीं हैं. अगर जैसे कोई आया है आपके साथ पिक्चर्स खिंचवाने, मुझे ये चीज़ें हर्ट करती हैं. मुझे मेरे लिए छोटी सी बड़ी से बड़ी बात ज़्यादा अहमियत नहीं रखेगी मेरे आगे, लेकिन अगर कोई छोटी सी बात मुझे बुरी लगेगी ना, तो वो बस वो बुरी लग गई है, वो नहीं ठीक हो सकती. अब वो चीज़ मेरे दिल में है. मुझे किसी की, अगर मैं किसी के साथ बहुत अच्छी हूँ और अच्छी बिल्कुल नेचुरल हूँ, जिस तरह आपके साथ अभी बात कर रही हूँ, लोगों के साथ भी उस तरह से मिलती जुलती हूँ, बात करती हूँ, और आगे से लोग आपको गलत आपके लिए सोचें या आपके लिए गलत बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात पे. तो उसको कैसे रिज़ॉल्व करती? कभी पिक्चर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे जो फैंस हैं वो ये छोटी सी बात नहीं समझते कि
अगर हम कहीं हैं बाहर, तो हम, अगर आप भी कहीं हैं तो आप भी वही चीज़ इन्जॉय करने के लिए आना जो चीज़ मैं इन्जॉय करने के लिए आई हूँ. आप भी घूमने के लिए आए, मैं भी घूमने के लिए आई हूँ, मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता. मैं भी अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलती हूँ, तो आप आके फिर पिक्चर्स 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 जितना हो सकता है उतना मैं पिक्चर्स करवा खींचते हैं लोग एमन में मिल के पिक्चर्स खिंचवाते हैं. बट कुछ लोग होते हैं जो फिर आगे से ना आपसे बदतमीजी कर जाते हैं. अगर आप किसी को मना कर दो कि नहीं मैंने आपके साथ पिक्चर नहीं खिंचवानी, आई एम विद माय फैमिली एंड ऑल, तो वो लोग फिर आपके लिए बुरी बुरी बातें करते हैं. ये नहीं समझते कि हमारी एक अपनी भी थोड़ी पर्सनल लाइफ है. यू नो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ आज मेरा डे ऑफ है और आज मैं आपकी जैसी हूँ. मैं भी एग्जैक्टली मैं उनको ये कहती हूँ आप आज मैं आपकी जैसी. अब बंदा हॉस्पिटल में है. दैट इज सो अनफेयर. हॉस्पिटल में आप क्यों हैं? आपको कोई तकलीफ होगी, किसी को तकलीफ होगी, आप उसके लिए आए हैं. और आगे से लोग आपको बोले हम तस्वीर खिंचवा रहे हैं, आप लोग क्या सोच के ये सवाल करते हैं? इंसान इस वक्त किस फेज में हो सकता है, क्या टेंशन हो सकती है, क्या खुशी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. और आप आगे से पिक्चर्स के लिए डिमांड करते हैं, फिर वो लोग भी यही चीज़ समझते हैं. हाँ, वो दिल को दुखाती है ना, वो चीज़ थोड़ा सा होता है कि क्यों, फैंस को भी दिल से सोचना चाहिए, दिल से सोचना चाहिए कि कहीं कहीं इन लोगों को अपनी भी जिंदगी जीने का हक है एक्चुअली. और मैं सिर्फ ये अपने लिए बात नहीं करूंगी, ऑल द एक्टर्स, हम सब फेस करते हैं ये चीज. बाहर जा रहे हैं तो खुल के नहीं इंजॉय कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ भी चीज ज्यादा नहीं कर सकते. एक तो ये टेलीफोन जो है ना, इसके अंदर जो कैमरा आ गया है ना, वो आपकी पिक्चर्स बना रहा है. कुछ इस तरह से लोग होते हैं जो आप बैठे हुए अब वो आपकी वीडियोस बना रहे हैं, आप हॉस्पिटल में आपकी वीडियोस पिक्चर्स बना रहे हैं. यार क्यों? इट्स अनफेयर एक्चुअली. ये वो पार्ट है मेरी लाइफ का जो मैं नहीं शेयर करना चाहती किसी के साथ. मैं नहीं चाहती कि रोज लोगों को पता चले कि मैंने क्या पहना हुआ है, मैंने क्या खाया है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा घर कैसा है, मैं कैसी हूँ, मेरी फैमिली कैसी है, मेरे साथ क्या हो रहा है लाइफ में. ज़रूरी नहीं है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी शेयर ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल. तो थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए लोगों को, हर किसी को, ऑल द एक्टर्स, हमारे जितने भी एक्टर्स हैं जो अभी आए हैं, जो पुराने काम कर रहे हैं, सबको मुझे लगता है उनकी लाइफ में ये चीज़ फील होती होगी कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ का बहुत मेजर पार्ट मिस कर देते हैं. आप लोगों के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक हद होनी चाहिए जहाँ मेरी प्राइवेट लाइफ शुरू होती है और आपकी मैं ये कहती हूँ कि जिनो जहाँ मेरी यहाँ से हद, मेरी हद शुरू खत्म होती है, वहाँ से आपकी शुरू होती है. फैमिली है तो इट्स अ फैमिली टाइम. अगर आप चलो आप अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रहे हो तो फिर इट्स ओके, आप पिक्चर्स खिंचवा सकते हो. लेकिन अगर मेरी मम्मा है, मैं पिक्चर खिंचवा रही हूँ, मैं कहीं आगे पीछे होगी, वो बेचारी मुझे ढूंढती रहेंगी. वो खड़ी हुई हैं साइड में, वो परेशान हो रही हूँ, ऑकवर्ड हो रही हैं कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं. तो लेकिन मुझे पसंद भी है पिक्चर्स, मना नहीं मैं कभी करती. जहाँ तक होता है ना, कुछ लोग आपको देख के समझ आ जाते हैं कि इनके साथ खिंचवानी चाहिए, इनके साथ नहीं खिंचवानी चाहिए. कुछ लोग होते हैं जो 15-15 लोग आ जाते हैं पिक्चर्स खिंचवाने, तो मैं उनको बोलती हूँ कि 15 हैं आप लोग, इतने सारे लोग हैं, एक ही पिक्चर ले लें. इंडिविजुअल सबके साथ नहीं खिंचवा सकती. और एमन मुझे हमेशा इस चीज़ के ऊपर बहुत डांटती है कि पिक्चर्स करवाते हैं हम दोनों, तो वो मुझे हमेशा. लेकिन यू आर राइट, क्योंकि एक वक्त आता है जहाँ हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ रहें, उस वक्त हम वैसे ही हैं जैसे कोई और है. अब एक जूता पहन के आप ट्राई कर रहे हो, दूसरा जूता आप पहनने लगे हैं, पीछे से आपको कोई कमर पे हाथ लगा के कह रहा है कि जी पिक्चर. आप जैसे यार आप मुझे टच क्यों कर रही हैं? आंटी हो, लड़की हो, कोई भी हो, आप देख लें मैं जूता पहन रही हूँ, मैं जूता पहन लूँ फिर तस्वीर खिंचवाते हैं, हम 2 मिनट वेट कर लें. और अगर उनको ये भी बोल देना तो बहुत से लोगों को ये भी बुरा लग जाता है कि इन्होंने हमें ऐसे ट्रीट किया. क्या करें? कुछ भी नहीं लाती आप ये बात, इसीलिए मेरी जो फैमिली, ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इससे अपसेट होते हैं एग्जैक्टली. और फिर आपका सारा मूड खराब हो जाता है, आपका इंटरेस्ट उस चीज़ पर से हट जाता है, डाइवर्ट हो जाता है. हमारा दिल करता है हम कोई ना हो, कोई ना, बस हम. अब जैसे मेरी नानी और फुप्पोएं हैं, मेरी खालाएं हैं, चाचू हैं, मेरे कजिन्स हैं, दे नेवर टेक पिक्चर्स विद अस, नेवर, शौक ही नहीं है. वो कहते हैं कि आप पिक्चर्स खींचना साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है. इन्जॉय कर रही हूँ उस मोमेंट को. मेरी एक फ्रेंड है मरियम, जिसके घर पे मैं आके हमेशा लाहौर में रुकती हूँ, और इट्स लाइक माय सेकंड होम इन लाहौर, माय फ्रेंड. तो उसके कल चाचू वगैरह आए हुए थे घर पे, मैं उनके फैमिली में बैठी हुई थी जैसे मेरी फैमिली है.
बिकॉज इसलिए ना कि कितना मजा आया ना, इतना अच्छा फील हो रहा और था। अगर वो तस्वीरें खींचना शुरू हो जाती है फिर तो हाँ, स्टार बन देखो जाती आज इतने इतने हाँ आराम से बैठे हुए थे, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं नॉर्मल लोगों की हाँ तरह। दिस इज़ अ नॉर्मल लाइफ, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ एक्चुअली। थैंक यू सो मच। अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, बट मुझे डर लगता है। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख आए, खुश रहो आमीन हमेशा। थैंक यू एंड ब्लेस यू।